हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे मेन कैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज मैं इंजीनियर पंकज पांडे आप सभी स्टूडेंट को TCS प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। आप TCS में प्लेसमेंट कैसे पाएंगे, ठीक है? यदि आप BCA स्टूडेंट हैं या BSc CSIT के स्टूडेंट हैं तो आपका प्लेसमेंट कब और कैसे होगा। आज हम इस वीडियो में कई सारी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा, सबसे पहले व्हाट इज TCS। TCS क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि TCS दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मास रिक्रूटिंग कंपनी है, जो IT कंपनी है BCA BTech BSc CSIT के स्टूडेंट की हायरिंग करती है, ठीक। दूसरा टॉपिक होगा TCS में प्लेसमेंट कैसे पाएंगे। सबसे पहली बात, आज जो हम ड्राइव लेकर के आए हैं ये BCA और BSc स्टूडेंट के लिए है, BCA और BSc CSIT स्टूडेंट के लिए है। अगर आप 2024 में BCA कर रहे हैं तो आप TCS में प्लेसमेंट कैसे पाएंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आप TCS में प्लेसमेंट चाहते हैं और आपने BCA में एडमिशन ले लिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने BCA को अच्छे परसेंटेज के साथ हर सेमेस्टर पास करना होगा। आपका हर सेमेस्टर में परसेंटेज 75+ ही रखना होगा, सबसे पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, आपको बैक नहीं लाना है, बैक पेपर तुम्हारा ना आए, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है। इस दो चीज़ को आप सबसे पहले अपने जेहन में रख लीजिए यदि आप BCA करने जा रहे हैं तो, ठीक। तीसरी चीज़, आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है इसके बारे में सुनिए। आप अपने BCA में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग है, सी है, C++ प्रोग्रामिंग है, जावा है, डेटा स्ट्रक्चर आपका है, इन चीज़ों पर आपको बेहद फोकस करना है यदि आप बड़ी कंपनी में इंजीनियर बनने के अबाउट सोच रहे हैं, ठीक। चौथा चीज़, प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल कब हों, ध्यान से सुनिएगा। आप BCA में एडमिशन ले लिए हैं लेकिन प्लेसमेंट में आप कब बैठेंगे इसके बारे में सुनिएगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे परसेंटेज से निकालेंगे, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर दे देंगे, सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, उसी टाइम आप TCS की प्लेसमेंट ड्राइव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप TCS में प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। समझ आ रहा है आपको, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डाउट बच्चों का होता है, प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी आप प्लेसमेंट में कब बैठ सकते हैं, आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहले आपका हाई स्कूल इंटर में 60% हो, अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। आपका BCA में 60% से कम नहीं होना चाहिए, ओवरऑल किसी भी सेमेस्टर में 60 से कम नहीं होना चाहिए। आपका हाई स्कूल 60, इंटर 60 और BCA 60, यदि आप BTech हैं तो BCA के लिए भी बेहतर यही होगा। अगर आप इतने परसेंटेज के साथ हैं तो आप TCS की प्लेसमेंट ड्राइव के लिए एलिजिबल हैं और आप बैठ सकेंगे। छठी चीज, यदि आप TCS में प्लेसमेंट करते हैं तो आपको TCS बेनिफिट क्या देगा, आपका फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा है TCS में BCA के बाद प्लेसमेंट का, कि आपको 3.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बिटवीन में आपका सैलरी पैकेज होगा, ठीक है। 3 लाख से 4 लाख के बीच में आपका सैलरी पैकेज होगा। दूसरा प्रॉफिट, 3 साल का MCA TCS आपको फ्री का कराएगा अपने पैसे से। TCS आपको MCA फ्री का करा रहा है अपने पैसे से।
कहाँ से करा रहा है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी कर्नाटका से कराता है या फिर वो खुद किसी ना किसी ए प्लस प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी का चूज करता है। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट बीसीए के बाद प्लेसमेंट में सैलरी भी है और फ्री का पढ़ाई भी है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एमसीए 3 साल ख़त्म होने के बाद आपका सैलरी 8 लाख पर एनम से लेकर के 12 लाख पर एनम तक हो सकता है यदि आपने प्लेसमेंट के 3 साल के ड्यूरिंग अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो दैट मीन्स योर परफॉर्मेंस बेटर बिटवीन द फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर ऑफ एमसीए देन यू गेट द सैलरी पैकेज ऑफ 8 लाख टू 12 लाख पर एनम। दैट्स द ओके। चलो हम देखते हैं कि हम मीनकैट पीसी के सीईओ एंड फाउंडर जहां पर बीसीए और बीटेक के बच्चे पढ़ते हैं और प्लेसमेंट लेते हैं, तो इस साल हमारे यहां प्लेसमेंट की ड्राइव जो विप्रो 2023 और 2024 में पास हुए स्टूडेंट के लिए लाया था, इसमें क्या क्या पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं। आओ देखते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस स्टार्ट हुआ था आपका मई में, जो 25 मई से लेकर के 24 जून तक चला हुआ है। ठीक है, 24 जून को लास्ट डेट था, इसी 14 जुलाई को पेपर भी हुआ है, इसी 14 जुलाई को पेपर हुआ है टीसीएस का। ठीक है, और इस ड्राइव का जो नाम है इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग ड्राइव है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग ड्राइव बीसी और बीएससी की ड्राइव का नाम होता है। ठीक है, आप सभी इसे पढ़िएगा अच्छे से, ये आपके गाइडलाइंस हैं कि आप टीसीएस में प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप बीसीए किए हैं या बीएससी के आईटी से हैं, सीएस से हैं, मैथ से हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। चलो, टीसीएस इग्नाइट है क्या है, कैसे है, आपको जब हमारे यहाँ हमारे लोकल के बच्चे प्लेसमेंट करते हैं तो एक्सप्लेन करता हूँ इसके अबाउट। चलो आगे देखते हैं, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के बीच डिफरेंस आपको हम किसी वीडियो में बता देंगे या आप जब हमारे यहाँ क्लास करते हैं तो हम ड्यूरिंग द क्लास अपने सभी बच्चों को बेटर एक्सप्लेन करते हैं। चलो आगे देखते हैं, एप्लीकेशन क्या था, हमने एप्लीकेशन किया था अपने बच्चों का। एप्लीकेशन करने के बाद हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से और झुंझुनवाला पीजी कॉलेज से अप्रॉक्सीमेट 26 से 27 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। टीसीएस में इतना प्लेसमेंट बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, टीसीएस छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मैंने बताया कि टीसीएस आईटी कंपनियों में वर्ल्ड में टॉप लिस्टेड नंबर 1 और 2 पर आती है। टीसीएस का जो जीडीपी ग्रोथ है, टोटल असेस्ट जिसे हम बोलते हैं, पाकिस्तान के जीडीपी के इक्वल है, ध्यान से सुनिएगा। तो आई थिंक आपको अभी बीसीए के ड्यूरिंग अपने सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फोकस करना है। आफ्टर दैट आपका प्लेसमेंट के एग्ज़ाम में क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका इंटरव्यू कैसे होगा, जब आप हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी चीज़ प्लेसमेंट की क्लास करते हैं तो हम अपने बच्चों को सारी चीज़ें बता करके प्लेसमेंट में बिठाते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि आप 24 में हैं तो आपका प्लेसमेंट 2026 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्लेसमेंट की स्ट्रेटजी फर्स्ट सेमेस्टर से ही बनानी होगी। अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेहतर पढ़ना होगा, अपने बीसीए में अच्छा परसेंटेज लाना ही लाना होगा। तो हम चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। डाउट्स होते हैं आपके तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।